तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता ये जहां सर, देखता ये जहां सर है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है, आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है, आज फिर हमें मंजिल ने पुकारा है। कल का दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा, कल का दिन में मैंने दो या तीन वीडियो रिकॉर्ड की जो कि हमारे प्रीवियस डे के टारगेट की थी, और बोलते ना जब तक आपका पढ़ाने का मन ना करे तब तक आप पढ़ा नहीं सकते, तो घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसी मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ और करने का। तो आई गेस कि सबके साथ होता है, मैं ही अकेला नहीं हूँ, इसीलिए मैंने एक रिजर्व डे करके रखा हुआ है, 7 डे इसीलिए मैंने रिजर्व करके रखा हुआ है, कोई भी दिक्कत हुई, कोई भी कुछ हुआ तो वी विल बी रेडी उस सिचुएशन से निकलने के लिए। लेकिन ये इतना जल्दी होगा हमें पता नहीं था, लेकिन क्या करें, वक्त है सबसे बड़ा खिलाड़ी वही। तो बस आपसे यही कहना था, अब चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वही बात है, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। तो हमेशा खुश रहिए और टेंशन मत लीजिए, एग्जाम तो आता रहेगा जाता रहेगा, ऐसा तो बोलना ही नहीं है। एग्जाम देखिए, एग्जाम है तो एग्जाम तो देना ही, ऐसा नहीं कि अपने ऊपर इतना स्ट्रेस ले लो कि अपनी जो लाइफ है उसको भूल जाओ, अपने को चलना है, ऐसा नहीं कि सब कुछ भूल जाओ ऐसा कर लो, टेक इट इजी। तो अपने चलते सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि हमारा चैप्टर है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बिजनेस एनालिसिस, ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3। ओके, और हम लोग का डे कौन सा है, डे है हम लोग का डे 4, टाइम हो रहा 5:41। डे 4 में हम लोग चैप्टर 3 कर रहे हैं जबकि हमें करना चाहिए चैप्टर 4, करना चाहिए या कर रहे हैं, व्हाट डज इट मैटर, लेट्स डू इट नाउ। तो आप मेरे साथ बोल सकते हैं, आई कैन एंड आई विल राइट नाउ, आई कैन एंड आई विल राइट नाउ, आज करेंगे, अभी करेंगे, इस बार आईपीसीसी पास करके रहेंगे। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ द स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग क्या होता है? स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग इज अ टेक्निक फॉर डिस्प्लेइंग डिफरेंट मार्केट displaying different market position, मतलब different market position that rivals from occupy in the industry. अब market position defined, जैसे कि कोई भी business है, मेरा suppose करो कोई business है, तो मेरी एक industry, suppose करो मेरा textile का business है, automobile का business है, तो मेरी ही industry होगी, textile industry, automobile industry, ये एक industry बोली जाती है। तो इस industry में मेरा position क्या है, किस number पे हम आते हैं, highest, lowest, नीचे से पांचवा, 105वां, 10वां, कौन सा number आता है या आता ही नहीं, तो ये बोल रहा है। सो फॉर डिस्प्लेइंग द डिफरेंट मार्केट पोजिशन, मार्केट पोजिशन डिस्प्ले करेगा राइवल फर्म्स के साथ। अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप इज अ क्लस्टर, इट्स अ ग्रुप ऑफ व्हाट फर्म इन अ इंडस्ट्री दैट सिमिलर कॉम्पिटेटिव मैचेस, जैसे मैंने बोला टेक्सटाइल मैचेस, जैसे मैंने बोला टेक्सटाइल ऑटोमोबाइल, तो ये सारे क्या है, सिमिलर कॉम्पिटेटिव अप्रोच एंड मार्केट पोजिशन। ये किसका ग्रुप होगा, ये ग्रुप ऐसा लोगों का होगा जो सिमिलर कॉम्पिटेटिव अप्रोच रखते हैं, ठीक है, फॉर्म इन इंडस्ट्री सिमिलर कॉम्पिटेटिव अप्रोचेस एंड मार्केट पोजिशन, सिमिलर कॉम्पिटेटिव अप्रोच एंड मार्केट पोजिशन। An industry contains only one strategic group when all sellers pursue essential identical strategy and have comparable market position. अब ये क्या बोल रहा है कि सारे के सारे एक industry में आ जाएंगे एक type के लोग। An industry contains only one strategic group. एक industry एक strategic group
में बनती है व्हेन ऑल द सेलर जितने भी सेलर परस्यू एसेंशियल आइडेंटिकल स्ट्रेटजीज एंड हैव अ कंपेरेबल मार्केट पोजीशन। अब कंपेरेबल मार्केट पोजीशन मतलब कि जो चीज कंपेयर की जा सकती है और आइडेंटिकल एसेंशियल आइडेंटिकल स्ट्रेटजी एक आइडेंटिकल स्ट्रेटजी है। व्हाट इट इज आइडेंटिकल स्ट्रेटजी फॉर ऑल एंड हैव अ कंपेरेबल मार्केट, जिनके पास कंपेरेबल मार्केट हो जाता है। जैसे कि मेरा अगर शॉप है या मेरा बिजनेस है तो आपका भी जो बिजनेस है वो कंपेरेबल हो, दोनों में कंपेयर किया जा सके, मतलब सिमिलैरिटीज हो बेसिकली, तो ये आप एक इंडस्ट्री में फॉल करेंगे। इट इन्वॉल्व्स प्लॉटिंग फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल मैप यूजिंग पेयर्स ऑफ द डिफरेंट शीटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज प्राइस क्वालिटी ऑन अ टू वेरिएबल मैप्स। दो वेरिएबल मैप्स मतलब दो डिफरेंट कैटेगरीज में आपको क्लासिफाई किया जा सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्लासिफाई किया जा सकता है कि आपके प्राइस रेंज में कौन सा किंग है या प्राइस पे किसका कमांड है, क्वालिटी पे किसका कमांड है। मेरे को हल्की फुल्की नींद आ रही है, क्या किया जाए, कुछ नहीं किया जाए, काम किया जाए क्वालिटी रेंज। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइस क्वालिटी रेंज आपको कैटेगरीज वाइज डिफाइन किया जा सकता है। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग में होगा क्या, बेसिकली आपको एक बोलते हैं ना रैंकिंग का जो टॉप 50 होता है तो वो रैंक जैसे डिसाइड होता है, तो एक बिजनेस में आपकी पोजिशन क्या है आपको वहां से पता चल जाएगा, और एक इंडस्ट्री में एक ही स्ट्रेटेजिक ग्रुप होता है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द मार्केट प्रेजेंटेशन। मार्केट पेनिट्रेशन इज अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी। व्हाट इट इज अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी मैन, नोट इट डाउन, इज अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी वेयर अ बिजनेस फोकसेस ऑन सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इन एग्जिस्टिंग मार्केट। बस ये रही क्रिस्प एंड क्लियर डेफिनेशन की। ओके, सेलिंग एग्जिस्टिंग पुरानी प्रोडक्ट को बेचना, हमें सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स टू एग्जिस्टिंग मार्केट, पुराने मार्केट में पुराना प्रोडक्ट चिपकाना है, तो उसको बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। इट्स अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी। इट इज अचीव बाय मेकिंग मोर सेल्स टू प्रेजेंट कस्टमर। अब ये अचीव कैसे होगा, एग्जिस्टिंग मतलब प्रेजेंट जो हमारे पास कस्टमर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा माल बेच के, विदाउट चेंजिंग प्रोडक्ट्स इन एनी मेजर वे, बिना प्रोडक्ट को बदले हुए। जैसे आज मेरा प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, बिस्किट ले लो, आज मेरा प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, बिस्किट ले लो या फिर कुछ भी ले लो, मोबाइल ही ले लो, तो उस मोबाइल को क्या करेंगे, वही प्रोडक्ट मैं बेचता गया। Redmi Note 5 Pro एक साल से चल रहा है, तो वही प्रोडक्ट सामने बेच रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे ऑफर निकल रहा है, 2000 ऑफ दे दे रहा है, लेकिन सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं सेम कस्टमर को, मतलब कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। पेनिट्रेशन माइट रिक्वायर ग्रेटर स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। अब ये क्या बोलते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन में जब आप पुराने प्रोडक्ट को बेचते हैं तो आपको ग्रेटर एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है, मतलब डिस्काउंट हैवी देना पड़ता है। जैसे Xiaomi का Redmi Note 4 में भी 2000 का डिस्काउंट चल रहा है, तो अभी 12,999 का मिल रहा है, अब जाके ले सकते हैं, तो पुराने प्रोडक्ट को पुराने लोगों में बेच रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एडीएल मिक्स। क्या बताएंगे आप, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द एडीएल मिक्स। आप बोलोगे हमको पढ़ाना नहीं। एडीएल मिक्स, आई एम सॉरी यार, एडीएल मैट्रिक्स बोलना था मेरे को, मैं क्या बोल रहा हूँ। द एडीएल मैट्रिक्स विच हैज डिराइव फ्रॉम द ऑथर डी लिटिल। भाई ये मैट्रिक्स, ऑथर ए फॉर ऑथर, डी फॉर डेनियल रैल्फ लिटिल, तो ये भाई साहब थे ऑर्थर डी लिटिल, अपने नाम के आगे एक ठो मैट्रिक्स बना दी, अच्छा काम किए क्या, ये नाम के आगे बनाने से अपने को एक चीज याद हो गई कि भाई साहब ये बनाया कौन था, ऑर्थर डी लिटिल, ठीक है, ए डी एल, भाई साहब ये है, बहुत बड़ा फेस है इनका, बाल है नहीं सर पे, और ये ठीक है,
ओके इज अ पोर्टफोलियो एनालिसिस. पोर्टफोलियो एनालिसिस है, पोर्टफोलियो मतलब आपकी बिल गेट्स बोलते हैं ना, अपना सारा चीज एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए, मतलब एक जगह सारी इन्वेस्टमेंट ना करके हर जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. मतलब कि अपने कोई भी चीज को आप जब डिवाइड करके रखते हो, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में इन्वेस्ट करके रखते हो, तो वो बोलते हैं पोर्टफोलियो. जैसे अपना शेयर मार्केट में अगर जो पैसा लगाते हैं, बनाते हैं वहां से, उनका एक पोर्टफोलियो होता है. एनालिसिस मेथड शादी का भी पोर्टफोलियो होता है, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. ओके तो ये कौन डिराइव किया, ऑथर डी लिटिल ने, इज अ पोर्टफोलियो, इज अ पोर्टफोलियो एनालिसिस. ये क्या है, एक पोर्टफोलियो एनालिसिस, पोर्टफोलियो का एनालिसिस करेगा, पोर्टफोलियो एनालिसिस मैथड दैट इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. ये किस पे बेस्ड रहेगा, प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल पे. द अप्रोच फॉर्म्स टू डायमेंशनल मैट्रिक्स बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ इंडस्ट्री. अभी दो डायमेंशनल अप्रोच फॉलो करेगा, पहला बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ इंडस्ट्री मैच्योरिटी, एक इंडस्ट्री की मैच्योरिटी के अनुसार. दो अप्रोच है इसमें, पहला अप्रोच ये कि मैच्योरिटी के अनुसार देखिएगा, एंड द फर्म्स कॉम्पिटेटिव पोजिशन. कॉम्पिटेटिव पोजिशन बस बॉस हो गया, और क्या है कॉम्पिटेटिव, इसमें एनवायरमेंटल असेसमेंट एंड बिजनेस स्ट्रेंथ एंड बिजनेस स्ट्रेंथ असेसमेंट. तो दो चीजों पे ये फोकस करेगा. पहली चीज क्या है, आइए लिखते हैं. पहली चीज है मैच्योरिटी, आपके बिजनेस की मैच्योरिटी कैसी है, मतलब आप कैसे प्रीवियसली आपने काम किया है, और कॉम्पिटिटिव पोजीशन. ये रही बेस मैट्रिक बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ द इंडस्ट्रीज मैच्योरिटी, किस मैच्योरिटी पे आपकी इंडस्ट्री. दो अप्रोच है, से पहला अप्रोच ये रहा, दूसरा अप्रोच है एनवायरमेंटल असेसमेंट, एनवायरमेंटल असेसमेंट और बिजनेस असेसमेंट प्लस बिजनेस स्ट्रेंथ असेसमेंट. तो अगर जैसे आपने पढ़ के ये चीजें लिखी ना, आपके मन में एटलीस्ट अभी आप बोलोगे याद नहीं हुआ याद नहीं हुआ, तो देखो लिखते हो ना, तो आपके माइंड में वो चीजें एटलीस्ट एक बार तो जाएंगी ही जाएंगी. आप बस पढ़ के निकल जाओगे तो चीजें नहीं जाएंगी. तो जो जो कीवर्ड्स में साथ साथ दिखता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप भी लिखा करिए. आइए हमारा और आपका फेवरेट क्वेश्चन आइए हमारा और आपका फेवरेट क्वेश्चन क्या है, करेक्ट और इनकरेक्ट, इनकरेक्ट और करेक्ट. तो चलिए बताइए, एन इंडस्ट्री इज ग्रोइंग. ओह सॉरी, आपको तो आंसर हम नीचे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, वेट 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 देखिएगा, मैं ऊपर कर देता हूँ. हाँ चलिए, आपको बताना है कि करेक्ट या इनकरेक्ट. इंडस्ट्री इज ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर फॉर्म्स, क्या एक जैसे का नहीं, अलग जैसे का ग्रुपिंग है. अभी आपने पढ़ा, हमने पढ़ा ऊपर में पहला क्वेश्चन है, ठीक है. दूसरा क्वेश्चन है, आपको बताना है भाई करेक्ट है इनकरेक्ट है, जल्दी माइंड में सोचिए. आईएससी है, मैं साइन समय दूंगा. स्ट्रेंथ इज एन इनहेरेंट कैपेसिटी, इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक स्ट्रेंथ क्या है, इनहेरेंट कैपेसिटी है, ये आपको बताना है. अब वो क्या लगता है आपका स्ट्रेंथ क्या है, इनहेरेंट है या नहीं. द पर्पस ऑफ द शॉर्ट एनालिसिस इज टू रैंक ऑर्गेनाइजेशन. शॉर्ट क्या होता है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट. तो ये एनालिसिस क्या है, इज अ पर्पस, द पर्पस ऑफ द शॉर्ट एनालिसिस टू रैंक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को रैंक कराना शॉर्ट का काम. आई और सी आपका आंसर देखिए आपने क्या दिया है. मैं क्यों बार बार आपका आंसर दिखा दे रहा हूं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट, डी. शॉर्ट एनालिसिस मेयरली एग्जामिन्स इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बोला कि क्या आपको लगता है शॉर्ट एनालिसिस इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल एनवायरमेंट को भी एनालाइज करता है. इसमें तो बोला है कि शॉर्ट एनालिसिस मेयरली एग्जामिन, मतलब करता भी नहीं होगा इंटरनल इंटरनल इन्वायरमेंट को एनालाइज. ये पोर्टफोलियो
पूछ रहा है सही या गलत, करता ही नहीं ये मत बोलेगा। बी इन बी सी जी मैट्रिक स्टैंड फॉर, बी क्या स्टैंड फॉर करता है, बैलेंस है, बताइए करेक्ट है इनकरेक्ट। ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स इज पॉपुलरली यूज फॉर द रिजोल्यूशन एलोकेशन। अब ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स पॉपुलरली यूज फॉर रिसोर्स एलोकेशन, जो ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स है ये किस लिए यूज होता है, रिसोर्स एलोकेशन के लिए आपको बताना है। क्या ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ रिसोर्स एलोकेशन होगा, सोचिए सोचिए। पोर्टफोलियो एनालिसिस हेल्प्स स्ट्रेटेजिस्ट इन आइडेंटिफाइंग एंड इवैल्यूएटिंग वेरियस बिजनेसेस ऑफ द कंपनी। अब वेरियस बिजनेसेस को आप क्या कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस से। जैसे कि स्ट्रेटेजिक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ राइवल फर्म्स, पहला क्वेश्चन याद करिएगा कि स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग हमने पढ़ा था। स्ट्रेटेजिक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द राइवल फर्म्स विद अ सिमिलर कॉम्पिटेटिव अप्रोच एंड पोजीशन इन द मार्केट। ये तो आपको बताना ही चाहिए अभी, ये क्या अभी भाई ऐसे ही बताइए, फटाफट बताइए। नाउ नेक्स्ट इज एन इंडस्ट्री कैन हैव मोर देन वन स्ट्रेटेजिक ग्रुप। क्या इंडस्ट्री में एक से ज्यादा स्ट्रेटेजिक ग्रुप हो सकते थे, एक ही क्वेश्चन को दो तीन बार रिपीट नहीं कर रहे हो। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, आपका इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ डिसिमिलर फर्म्स, आंसर इज इनकरेक्ट, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर वन में पढ़ा था कि ये ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडस्ट्री इज अ कंसोर्टियम ऑफ द फर्म्स हुज, मतलब ग्रुप ऑफ फर्म हुज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैव होमोजेनियस एट्रीब्यूट्स, मतलब एक जैसे एट्रीब्यूट्स रहते हैं। जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे ऑटोमोबाइल में बाइक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या है, सारे ट्रांसपोर्टेशन एक जैसे एट्रीब्यूट्स रहते हैं। जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे ऑटोमोबाइल में बाइक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या है, सारे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो एक होमोजेनियस एट्रीब्यूट्स है। और आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, या तो क्लोज सब्स्टिट्यूट है, बस का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, बाइक हो सकती है, कार हो सकता है। They compete for the same batch, जैसे कि वो सेम बैच से कंपीट करें। आइए हमने एग्जाम्पल दे, इनका एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल पेपर मैन्युफैक्चरर कंस्टिट्यूट द पेपर इंडस्ट्री, सारे के सारे पेपर बनाने वाले पेपर इंडस्ट्री में आएंगे। नाउ नेक्स्ट मूव टू द, कहने का मतलब है कि जो होमोजेनियस एट्रीब्यूट है उन्हीं इंडस्ट्री में रखा जाता है, एक इंडस्ट्री उसी की होती है, जैसे पेपर बनाने वाले सारे पेपर इंडस्ट्री में आएंगे। स्ट्रेंथ इज एन इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, इनहेरेंट कैपेसिटी, तो ये भी होगा। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स, एक लाइन में अगर डेफिनेशन बोला जाए कि वॉट इज स्ट्रेंथ, तो आप लिखोगे कि स्ट्रेंथ इज एन स्ट्रेंथ, साथ साथ लिख लीजिए इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ इज एन इनहेरेंट कैपेसिटी विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज टू गेन can use to gain strategic development skills okay can use to gain strategic advantage strategic advantage over its competitors। तो भैया स्ट्रेंथ इज नथिंग, स्ट्रेंथ इज एन इनहेरेंट कैपेसिटी विच ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज, ठीक है, टू गेन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। तो भैया ये हो गया इंडस्ट्री की बात, मेरा ये पेन बहुत चलिए। तो ये क्या हुआ, इंडस्ट्री इनकरेक्ट हो गया, ये क्या हुआ करेक्ट हो गया, ये क्या होगा बताइए इनकरेक्ट हो गया। आपको रैंक कराने के लिए शॉर्ट एनालिसिस नहीं होता, शॉर्ट एनालिसिस स्टैंड फॉर द एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, मतलब कि ये चार चीजों के लिए होता है, इसके लिए नहीं होता।
SWOT analysis is mainly examine the internal environment. ये भी इनकरेक्ट होगा क्योंकि इसमें दो है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो आपका इंटरनल ही है. आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है. SWOT analysis presents the information about both external and internal environment in a structured form to compare external opportunity and threats with internal strength and weakness. जैसे बोला ना, internal strength and weakness के साथ आप ये मत बोलो कि SWOT analysis में internal environment का analysis नहीं होता. होता है, बिल्कुल साफ साफ होता है, क्योंकि SWOT में खुद ही पहला जो लीडर है strength and weakness, opportunity threat और external नहीं है, I'm sorry, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल है, बट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज एन इंटरनल. बी इन बीसीजी मैट्रिक्स, बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट, क्या नहीं होगा? होगा नहीं होगा, क्या टेक्निक है ना बीसीजी में, बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट, क्या बैलेंस होगा? नहीं होगा, तो क्या होगा? इट्स अ बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, an organization that develop a matrix to portray an organization corporate portfolio in investment. अब देखिए BCG क्या stand for करता है, ना ये bat है, ना ball है, कुछ नहीं है, balance भी नहीं है, ये है Boston Consulting Group. अभी कैसे याद होगा Boston, B for balance, B for bat, B for ball. अभी सारा नहीं है, ये है बोस्टन, बोस्टन, बोस्टन. तो हो गया बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप. एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवलप अ मैट्रिक्स टू पोर्ट्रे एन ऑर्गेनाइजेशनल कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो ऑफ एन इन्वेस्टमेंट. अभी करता क्या है, ये डेवलप हुआ मैट्रिक्स टू ऑर्गेनाइजेशनल कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो ऑफ एन इन्वेस्टमेंट. अभी करता क्या है, ये डेवलप हुआ मैट्रिक्स टू पोर्ट्रे an organizational corporate portfolio of investment. ठीक है, matrix to portray an organizational corporate portfolio of investment. ये किस लिए होता है? corporate portfolio को दिखाने के लिए. इतना दो लाइन लिखना से काम हो जाएगा. अगर आपको आगे भी पढ़ना है तो देख लीजिए, दिस मैट्रिक्स टू ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, ये बताएगा क्या ग्रोथ ऑफ द बिजनेस एंड द बिजनेस शेयर एंजॉयड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, कितना बिजनेस शेयर एंजॉय किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा. द मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स काउ एंड डॉग मेटाफर्स एंड इज पॉपुलरली यूज फॉर रिसोर्स एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. काउ एंड डॉग अपने बाद में पढ़ेंगे, अभी मत सोचिएगा काउ डॉग सही बने. एक एनालिसिस है. सो बी स्टैंड फॉर बैलेंस नहीं, बोस्टन, 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 बोस्टन. एफ, ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स इज प्रॉपरली यूज फॉर द रिसोर्स एलोकेशन. ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स इज प्रॉपरली यूज फॉर द रिसोर्स एलोकेशन. आपको क्या लगता है, आप बताइए, बताइए, जनता जानना चाहती है कि बोस्टन, आई एम सॉरी, ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स इज प्रॉपरली यूज फॉर द रिसोर्स एलोकेशन. ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स आपको क्या लगता है, आपको क्या पूछ रहा है, आंसर तो दिखा दी. अच्छा जी हाँ, बिल्कुल, ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स आल्सो नोन फॉर इट्स काउ एंड डॉग मेटाफर्स इज प्रॉपरली यूज फॉर रिसोर्स एलोकेशन इन अ डाइवर्सिफाइड कंपनी. तो प्रॉपरली यूज फॉर रिसोर्स एलोकेशन इन अ डाइवर्सिफाइड कंपनी, एक डाइवर्सिफाइड कंपनी में रिसोर्स के लिए काम आता है. Primarily, it categorizes organizations' products on the basis two factor consisting of the growth opportunity and the market share. भैया देखिए, इसको मैं अगर crystal clear बोल दूँ आपको, तो ये use होता है resource allocation के लिए in a diversified company. जी हाँ, ये बिल्कुल use होता है resource allocation के लिए. ठीक है, इन अ डाइवर्सिफाइड कंपनी, इन अ डाइवर्सिफाइड कंपनी, डाइवर्सिफाइड कंपनी. ठीक है, नाउ इट कैटेगराइज, प्राइमरली इट कैटेगराइज ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ टू फैक्टर. ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्ट को उसके दो कैटेगरीज में डिफाइन करता है, दो फैक्टर पे ये एनालाइज करता है, कंसिस्टिंग ऑफ द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड. तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कितनी है,
ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एंड मार्केट शेयर एंजॉय, मार्केट शेयर कितना एंजॉय किया गया है, मार्केट शेयर एंजॉय कितना किया गया है, किया गया है, किया गया है, क्या किया गया है, मार्केट शेयर एंजॉय किया गया है, ग्रोथ 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 अपॉर्चुनिटी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स रिसोर्स मतलब एलोकेशन के लिए होता है, और दो चीजों पे इनका अप्रोच रहता है, दो चीजों पे चीजों को कैटेगराइज करते हैं, पहला है ग्रोथ 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 अपॉर्चुनिटी और दूसरा है मार्केट शेयर एंजॉय, मार्केट शेयर एंजॉय। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो एनालिसिस हेल्प्स द स्ट्रेटजिस्ट इन आइडेंटिफाइंग एंड इवैल्यूएटिंग द बिजनेस ऑफ अ कंपनी। पोर्टफोलियो एनालिसिस, ओके, अपना ये वाला आइडियल मिक्स भी तो वही था। पोर्टफोलियो एनालिसिस हेल्प आइडेंटिफाइंग एंड इवैल्यूएटिंग वेरियस बिजनेसेस ऑफ द कंपनी। आइडेंटिफाई करना और इवैल्यूएट करना जितने धंधे हैं, जितने बिजनेसेस हैं, तो भैया बात तो सही है, बात में दम है बंदे की। देखिए, करेक्ट, अ बिजनेस पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ द बिजनेसेस। ये क्या है, कलेक्शन है बिजनेसेस का एंड द प्रोडक्ट्स दैट मेक अप एंड प्रोडक्ट्स दैट मेक अप द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अ बिजनेस पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ द बिजनेसेस। एक बिजनेस पोर्टफोलियो क्या है, कलेक्शन ऑफ द बिजनेसेस, एक बिजनेस का कलेक्शन है एंड प्रोडक्ट्स। आइए आइए आपको पोर्टफोलियो समझाते हैं। पोर्टफोलियो, मेरा पोर्टफोलियो आप देखना चाहेंगे, कितना मार्केट शेयर मार्केट में मैंने इन्वेस्ट किया, कुछ नहीं किया, कितना किया होगा मैंने, ज्यादा से ज्यादा दो तीन चार, दो तीन हजार किया मैंने, मैं रिस्क नहीं लेता, मतलब दो तीन चार, दो तीन हजार किया मैंने, मैं रिस्क नहीं लेता, मतलब रिस्क नहीं लेता क्योंकि मैं उतना टाइम नहीं दे पाता, बहुत ही मजा आता है लेकिन मेरे को करने में, लेकिन मैं टाइम उतना नहीं उसको डिनोट कर पाता अपने शेयर मार्केट का। मेरे पास अकाउंट है, सब कुछ है, लेकिन कर नहीं पाता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें रहती हैं जिसको मद्देनजर रखते हैं। एक्चुअली आपको डेडिकेशन रखना होगा, पूरी तरीके से उसमें ध्यान देना होगा, तभी जाके होता है। मैंने ये एनालाइज किया है, कैसे एनालाइज किया, लॉस कर, लॉस और प्रॉफिट दोनों करके। अभी मेरा पार गया, नेट इफेक्ट थोड़ा बहुत होगा, चलिए छोड़िए वो सब बातें। अ बिजनेस पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ द बिजनेसेस। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ द बिजनेसेस, ओहो, क्या बिजनेस का क्या है? एक पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या है, कलेक्शन है, मेकअप एन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं, यही तो लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। पोर्टफोलियो एनालिसिस इज टूल बाय विच मैनेजमेंट आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट्स वेरियस बिजनेसेस। वही लाइन जो चिपका दिया क्वेश्चन में, तो यही पूछा था ना। इन पोर्टफोलियो एनालिसिस टॉप मैनेजमेंट व्यूज इट्स प्रोडक्ट लाइंस एंड बिजनेस यूनिट्स एज अ सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम व्हिच इट एक्सपेक्ट्स रिटर्न। आप एक बिजनेस, आप सपोज करिए सीईओ हो किसी कंपनी के, ठीक है, थोड़े से आप रूड हो गए, तो ठीक है हम आपको कुछ और करते, ठीक है, मासूम बना दिया हमने, तो आप के पास सपोज करिए यहाँ पे बिजनेस है, यहाँ पे बिजनेस है, आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, मैगी है, नूडल्स है, हेयर ऑयल है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है आपके, वेजिटेबल मार्केट में भी आपका एक फैक्ट्री स्टॉक फॉर्म है आपका, या फिर ऐसे कुछ है आपके बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन। तो आपने देखा कि भाई इस प्रोडक्ट में मैंने इतना पैसा लगाया, इस प्रोडक्ट में इतना पैसा लगाया, इतना ब्रांड सेट किया है, तो मेरे को वहां से कितना रिटर्न मिल रहा है। तो इन अ पोर्टफोलियो एनालिसिस टॉप मैनेजमेंट व्यूज इट्स प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट लाइन को ये देखे आप, एंड बिजनेस यूनिट एज अ सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब बिजनेस यूनिट, इस बिजनेस में हमने कितना इन्वेस्ट किया है और वहां से कितना रिटर्न है, तो ये हमारा पोर्टफोलियो हो गया। आप सपोज करें तीन आइटम का मेरा पोर्टफोलियो है, तो सपोज करें ये वाला ऊपर है, ये नीचे, तो तीनों कैटेगरीज में यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो हम एनालाइज कर पाएंगे ये वाला प्रोडक्ट में इतना बिक रहा है, इतना बिक रहा है, इतना बिक रहा, तो ये हो गई एनालिसिस, ठीक है। द बेस्ट बिजनेस पोर्टफोलियो इज मोर दैट बेस्ट फिट्स इन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस टू द अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स।
जैसे देखिए एक बेस्ट स्ट्रेंथ आई एम सॉरी बेस्ट बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होगा, जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को मद्देनजर रखते हुए और एक्सटर्नली अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को मद्देनजर रखते हुए बना गया हो और आप उसको फॉलो कर रहे हैं। दो पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू कंपेयर इट्स वेरियस बिजनेसेस एंड कैटेगराइज देम इन द प्रीवियस इन वेरियस स्टेटा अकॉर्डिंग टू देयर प्रोस्पेक्ट। ओके, बोले कि ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू कंपेयर इट्स वेरियस बिजनेसेस एंड कैटेगराइज देम इन द वेरियस स्टेटा टू देयर प्रोस्पेक्ट। अपने अपने हिसाब से अपने अपने अनुसार वो चीजों को आइडेंटिफाई करके अपने कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, पोर्टफोलियो में डिवाइड कर लेते हैं। अरे अभी इसमें दो क्वेश्चन है क्या बताइए, तो ये दोनों क्वेश्चन तो अभी हमने किया हुआ है। स्ट्रेटेजिक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ राइवल फर्म्स विद अ सिमिलर कॉम्पिटेटिव अप्रोच एंड पोजीशन, ये हमने कहा किया, दिखाते हैं। देखिए डिफरेंट मार्केट कॉम्पिटेटिव पोजिशन दैट राइवल फर्म्स ऑक्यूपाई इन द इंडस्ट्री, आपको बताना है कि सही है या गलत है। सही होगा क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा हुआ है। यस, स्ट्रेटेजिक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द राइवल फर्म्स विद अ सिमिलर कॉम्पिटेटिव अप्रोच, वही लाइन आप ऊपर का जो याद किए वही वाला यहाँ पे चिपका दीजिएगा क्योंकि सेम चीज है। An industry can have more than one strategic group. अब आपने ये भी पढ़ा हुआ है, आइए दिखाते हैं। ये रहा, an industry contains only one, ठीक है, only one strategy। भैया ये भी नहीं होगा, यहाँ पे not नहीं लिखा है ना, can have more than, अगर कैन नॉट लिखता एन इंडस्ट्री कंटेन्स ओनली वन स्ट्रेटेजिक ग्रुप देन व्हेन ऑल सेलर परस्यू इसेंशियल आइडेंटिकल स्ट्रेटेजी एंड हैव कंपेरेबल मार्केट, एट द अदर एक्सट्रीम देर आर एज मेनी स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स एज देर आर competitive competitors when each rivals pursue a distinctly different competitive approach and occupies a substantially different competitive position। आपको एक लाइन और इसमें लिखा हुआ था ना, हमने उसको ध्यान दिया या नहीं दिया, दिया था हमने ध्यान। अब ओनली वन स्ट्रेटेजिक ग्रुप when all the seller pursue essential identical strategy, जब एक ही आइडेंटिकल स्ट्रेटेजी परस्यू करते हैं फॉलो करते हैं तब। लेकिन यहाँ पे एंड हैव कंपेरेबल मार्केट पोजीशन, अगर आपने ये दोनों चीजों को नहीं देखा तो ये आपने गलत किया। तो यही बोल रहा है कि आप एक इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री क्या होती है, कंटेन्स ओनली वन स्ट्रेटेजिक ग्रुप व्हेन ऑल द सेलर परस्यू एसेंशियल आइडेंटिटी हैव कंपेरेबल मार्केट पोजीशन, वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन कैन हैव मोर देन वन स्ट्रेटेजिक ग्रुप, अदर हैंड पे देखते हैं, एट द अदर एक्सट्रीम मतलब ऑन द अदर साइड देर आर एज मेनी स्ट्रेटेजिक ग्रुप एज देर आर कॉम्पिटिटर्स, जितने कॉम्पिटिटर्स हैं उतना आपके पास स्ट्रेटेजिक ग्रुप हो सकता है। व्हेन ईच राइवल्स परस्यू डिस्टिंक्टली डिफरेंट कॉम्पिटिटिव अप्रोच एंड ऑक्यूपाइज सफिशिएंटली डिफरेंट कॉम्पिटिटिव पोजिशन इन द मार्केट, जब वो डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करें और दूसरा कॉम्पिटिटिव मार्केट में रहे, डिफरेंट स्ट्रेटेजी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव मार्केट में रहे, ठीक है, तो हो सकता है जैसे मैं अगर बिजनेस कर रहा हूं तो मैं ये देखूंगा कि मेरे एरिया में या फिर मेरे जो लोग हैं यहाँ पे मेरी क्या पोजीशन है, ठीक है, फिर मैंने देखा कि यार उस मार्केट में भी मेरी क्या पोजीशन है, तो एक से ज्यादा मेरी स्ट्रेटेजिक ग्रुप हो सकती है। अगर सारे सेलर एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो कर एक ही कॉम्पिटेटिव मार्केट में तो भैया ठीक है, एक ही इंडस्ट्री में। तो भैया खत्म हो गया आपका क्वेश्चन वन एंड टू, हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में। आपको क्या लगता है, मूव करें, समय देख लेते हैं घड़ी में कितना हो गया है रिकॉर्डिंग का,
बहुत ज्यादा हो गया, तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ। और बोली बिल आज करेंगे, अभी करेंगे, इस बार आईपीसीसी पास करके रहेंगे। जी हाँ, करते हैं इस बार आईपीसीसी पास, और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। शुक्रिया आपका अपना दोस्त। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, आज एकदम दिल से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल लाइक जरूर कर दिया करो यार। जो भी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके कमेंट में बता दिया करो ये कैसी लगी, बुरी लगी तो जरूर बताना, अच्छी लगी तो मुस्कुरा देना, बताओगे नहीं तो भी काम चल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टॉप।